राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने करप्शन में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए विक्टिम्स को लौटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सलाह ले रहा हूं कि लोगों से लूटा गया धन उन्हें कैसे लौटाया जा सकता है। मोदी ने यह बात एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियों ने 1,25,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। हम टीवी पर देखते हैं कि रुपयों के कई ढेर लगे हैं जो गरीबों और मिडिल क्लास लोगों से लूटे गए हैं। ये धन भी लोगों को लुटाया जा सकता है। मोदी ने कहा कि केरल में एक बड़ा कोऑपरेटिव बैंक स्कैम है, इसे कम्युनिस्ट लोग कंट्रोल करते हैं। ये पैसा भी गरीबों और मिडिल क्लास का है। मैंने इस स्कैम में शामिल नेताओं की प्रॉपर्टी अटैच की है। मैं सलाह ले रहा हूं, लेकिन कई मामलों में हमें ट्रेल मिल जाती है कि किसने किसे पैसा दिया। अब तक हम 17,000 करोड़ रुपए लोगों को लौटा चुके हैं। 7 मई को आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रा के वेमागिरी में भी पीएम ने कहा था कि मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं कि लोगों से जो धन भ्रष्टाचार के जरिए लूटा गया है उसे लोगों को कैसे लौटाया जाएगा। दरअसल 6 मई को झारखंड के मंत्री के सचिव के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए मिले थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।